हेलो एवरीवन, अपन लोग पढ़े थे, अपन ने स्टार्ट किया था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वो होता है इसमें अडोब यानी अकाउंटिंग है, डिसीजन है, ऑपरेशन है, प्रोसेस है। अकाउंटिंग, डिसीजन, ऑपरेशन, प्रोसेस, सारी चीजें कंप्यूटर सिस्टम से होती है, ठीक है। इसको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोलते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। यानी साधारण भाषा में अगर मैं बताऊँ, मैं टेली का यूज़ कर रहा हूँ अकाउंटिंग करने के लिए, तो वो भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कहलाए, ठीक है। मैनुअल इंटरवेंशन कम और सिस्टम ड्राइवन ज़्यादा, मैनुअल इंटरवेंशन कम, लेस मैनुअल इंटरवेंशन और मोर सिस्टम ड्राइवन, ठीक है। चलो, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसके बाद हमने देखा इंफॉर्मेशन फास्ट करता है, मगर फास्ट तो करता है मगर एक्यूरेसी से करता है, बिना एरर के, बिना एरर के, ठीक है। साथ में अगर ये मिल जाए तो लार्ज वॉल्यूम को भी प्रोसेस कर देंगे और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लार्ज वॉल्यूम को प्रोसेस करके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर ये मिल जाए तो इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। इसके लिए इसको चाहिए होता है कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी चाहिए होता है, ठीक है। चल, फिर अपन ने याद किया था कि क्या क्या अंडरस्टैंडिंग अपन को लेनी है। तो भाई कितनी एप्लीकेशन बनानी है, सारी बनानी है या कुछ बनानी है, कुछ आउटसोर्स करनी है, कैसे बनानी है, कौन से वर्जन में बनानी है, आर्किटेक्ट क्या होगा, इंडिया में बनानी है, बाहर बनानी है, ठीक है, कौन बनवाएगा इसको, ठीक, क्या है, कब है, कौन है, क्या पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट हो गए। तो इसको तुम्हें ऐसे याद रखने की ज़रूरत, रखने की ज़रूरत और ड्यूमेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। कितने एप्लीकेशन बनानी है, पहला पॉइंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम बींग यूज, सारी बनानी है, कुछ आउटसोर्स करोगे, कुछ आउटसोर्स करोगे क्या। अब मान लो पांच बना रही है, पांच चीज के लिए चाहिए अपन को, तो अपन चार बनाएंगे, एक आउटसोर्स कर देंगे, ठीक है। तो अपन को चाहिए पांच चीज के लिए पांच एप्लीकेशन, मगर अपन बनाएंगे चार और एक करेंगे आउटसोर्स, ये हो गए दो पॉइंट। अब जो अपन बनाएंगे वो सबको आपस में इंटीग्रेट करवाएंगे, इंटरफेस वाली बात आ गई, ये हो गया तीन पॉइंट, इंटरफेस वाली बात, ठीक है। अब ये कौन बनवाएगा, कितनी बनानी है पता पड़ गया, बनवाया कौन, CIO CSO वगैरह बनवाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना CIO CISO, ये लोग बनवाएंगे, ठीक है, ये बनाएंगे। अब ये लोग जो एप्लीकेशन बनवाएंगे वो कहाँ बनवाएंगे, जहाँ पर ये लोग हैं, इंडिया में तो इंडिया में, ग्लोबल है तो ग्लोबल, लोकल और ग्लोबल कैसे बनवाएंगे, ठीक है। अब ये जो बनवाएंगे उसका कौन सा वर्जन होगा, उसका आर्किटेक्चर कौन सा होगा और किस पर्पस के लिए बनवाएंगे, ठीक है। तो पर्पस क्या क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, वर्जन क्या है, ये होगा सारे पॉइंट कवर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इन हाउस है या पैकेज है, तीनों को साथ में ले लो, आर्किटेक्चर, वर्जन, इन हाउस और पैकेज, ये बनाने का तरीका होता है, ठीक है। तो किस पर्पस से बनाना है, क्या क्या चीज़ें अपन को चाहिए, अपना पर्पस क्या है, एप्लीकेशन कितनी है, क्या इंटीग्रेट कराएंगे, क्या यहाँ बनाएंगे या वहाँ बनाएंगे, कौन बनाएगा, ठीक है। ईजिली आराम से अपने सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, कोई न्यूमेरिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चल, अरे सी ए की दीदी, सी मतलब चेंजेस, तीन चेंज के, ए एक्सेस, दो एक्सेस के, दो डेटा के, एक ड्यूटी के, चेंजेस, एक्सेस, डेटा, ड्यूटी, तीन, दो, दो, एक, चेंजेस के तीन, एक डायरेक्ट चेंज, अनऑथोराइज चेंज, ठीक है, और एक नो चेंज, ठीक है। तो दो चेंज के, एक नो चेंज का, डायरेक्ट चेंज, अनऑथोराइज चेंज और नो चेंज, ठीक है। फेलियर इन मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, ठीक है। उसके बाद चेंज एक्सेस, एक जिसको नहीं देना चाहिए उसको दे दिया अनऑथोराइज, और जिसको देना है उसको ज्यादा दे दिया एक्सेस, ठीक है, अनऑथोराइज एक्सेस और एक्सेसिव एक्सेस, यानी कि प्रिविलेज, यानी कि सुपर यूजर। चलो, उसके बाद डेटा, डेटा के दो, गलत का आना, सही का जाना, जाना मतलब लॉस, आना मतलब गलत का आना, प्रोसेस होना, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग डेटा और इनएक्यूरेटली, इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, ठीक है। और भी कुछ था क्या, और बोर, हाँ, और या दोनों, या दोनों, और बोर, ठीक। उसके बाद डेटा के दो हो गए, लॉस ऑफ डेटा, उसके बाद ड्यूटी, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सी ए की दीदी हो गई। अब बेटा मेरी बात सुन, अब मैं तुम्हें बहुत शानदार चीज़ बताने जा रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा खुश हो जाएगी सुन, अगर समझ में आया तो, ठीक है, या कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, अब ध्यान से सुनना और समझना।
देखो कुछ भी काम होता है ना, उस काम के अंदर अगर नुकसान के चांसेस हो, कुछ नुकसान होने के चांसेस हो तो वो रिस्क कहलाता है, ये पता है ना तुम्हें। मतलब मान लो अपन पहले चेक से पेमेंट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, चेक से। अब चेक के बाद मान लो यूपीआई आया कि भाई नंबर लिखो और यूपीआई से फैसिलिटी का यूज़ करो, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया। अब हमने ऐप डाउनलोड कर ली, मान लो जीपे डाउनलोड कर ली, अब जीपे से ऑनलाइन किसी के भी नंबर डालेंगे पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या ये सिस्टम जब आएगा नंबर से पेमेंट करने वाला, तो इस सिस्टम में कोई रिस्क है क्या? क्या क्या रिस्क है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? इसके नुकसान ये हो सकते हैं कि कोई गलत नंबर डल गया तो गलत को पेमेंट चला जाएगा, किसी के हाथ में मोबाइल आ गया तो नंबर डाल के अपने आप को पेमेंट या किसी को पेमेंट कर देगा। तो अब इसमें रिस्क है तो इससे कैसे बचा जाए? तो बचाने के लिए कंट्रोल लगाए जाते हैं, तो कुछ कंट्रोल एप्लीकेशन खुद लगाती है। जैसे पहले तो ऐप खुलेगा नहीं बिना पासवर्ड के, ऊपर से अगर खुला तो फिर तुम्हें पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए पिन भी डालना पड़ेगा। अब तुम समझो कि अगर ऐसा कुछ भी ना होता, तुम समझो ये अपन ने खोला और ये एक एप्लीकेशन है, ये जीपे है, तो ये मैंने जीपे खोल दिया जीपे। अब यहाँ मैंने नंबर लिख दिया किसी का भी 9 8 9 8 7 1 2 3 ऐसा कुछ भी नंबर लिख दिया, एंटर मार दिया, पैसा चला गया, बस नंबर लिखा, अमाउंट लिखा, एंटर मारा, पैसा गया, ऐसा होता बस। एप्लीकेशन सीधी खुल गई, नंबर लिखो, अमाउंट लिखो और एंटर मारो, पैसा चला जाए, ऐसा होता तो कितना रिस्क होता। मोबाइल किसी के हाथ में पहुंच गया तो भाई गया पैसा, कोई पिन विन का रोजा ही नहीं है, चेक बैलेंस लिखा हुआ है वहाँ पर, चेक बैलेंस ऐसा क्लिक किया चेक बैलेंस के ऊपर, बैलेंस आ गया सामने, ना कोई पिन पूछा ना कुछ पूछा, समझो ना। अगर ऐसा होता तो कितना रिस्क होता। तो क्या होता है, एप्लीकेशन खुद क्या लगाती है उसके ऊपर कंट्रोल, समझ में आता है। आओ दोबारा यहाँ पर, अब समझना चीज़ों को, एप्लीकेशन खुद कंट्रोल लगाती है उसके ऊपर। अब ये सारे अपने रिस्क पड़े, डेटा इनएक्यूरेट प्रोसेस हो सकता है, अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करेंगे तो ये रिस्क है, डेटा गलत प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, या गलत डेटा डाल दे अपन, प्रोसेस तो सही हो रहा है मगर डेटा गलत डाल दे, या दोनों ही गलत हो जाए, डेटा भी गलत चला गया प्रोसेस भी गलत कर लिया। हाँ, अनऑथोराइज एक्सेस, भाई क्या हो, अपन इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कोई आके डेटा चेंज कर जाए, कोई आके पिक्चर बना दे उसकी, तो कुछ भी हो सकता है ना, इतने सारे रिस्क, डेटा खो जाए, ये हो वो हो, ये सब अनऑथोराइज कोई चेंज कर दे, ठीक है, कोई चेंज करना भूल जाए सिस्टम में, चेंज ना करे, बग्स वगैरह आ जाए, नेसेसरी चेंज जो करने तो ना करे, साथ में डेटा चोरी हो जाए, ख़त्म हो जाए, चला जाए, उड़ जाए, ठीक है, लॉस ऑफ डेटा, अरे चोरी हो जाएगा मतलब चोर नहीं आएगा चुराने के लिए डेटा, डेटा अपना उड़ गया, ठीक है, करप्ट हो जाए या उड़ जाए, ठीक। तो इतने सारे रिस्क है, तो ये सारे जो रिस्क तुमने अभी देखे, ये कौन से रिस्क है? अपन ने रिस्क स्टडी में पढ़ा था ना, रिस्क को मल्टीपल स्टेटमेंट में दो पार्ट, इनहेरेंट और कंट्रोल, ये सारे रिस्क कौन से? इनहेरेंट है। अब इस पे क्या लगेगा? कंट्रोल लगेगा। तो अब मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, ध्यान से। मैंने देखा कि यार इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर लेकर आते तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है, ये सारे इतने सारे रिस्क हो सकते हैं, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है, ये इतने रिस्क हो सकते हैं, ठीक। अब हमें इन रिस्क से बचना है तो हम कंट्रोल लगाएंगे। सपोज करो रिस्क है 30, 30, 30, हाँ, हमने कंट्रोल लगा दिया 20 के ऊपर, कितने बचे? 10, उसमें कंट्रोल ही नहीं, तो भाई कंट्रोल लगाएंगे नहीं तो रिस्क ज़्यादा रहेगा, कम होगा ही नहीं। कंट्रोल लगाएंगे तो रिस्क क्या होता है? मिटिगेट हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मिटिगेट हो जाता है। कंट्रोल लगाने से रिस्क मिटिगेट होता है, ठीक है। द अबव रिस्क हैव टू बी मिटिगेट, ऊपर रिस्क को मिटिगेट करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? कंट्रोल लगा के। ये कंट्रोल की बात कर रहा है इस लाइन में, बताता नहीं है कंट्रोल। अरे मिटिगेट कैसे करोगे, तो बताता ही नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहा रिस्क पे कंट्रोल लगाओ, ऐसे बोल रहा रिस्क को मिटिगेट करो, कैसे? कंट्रोल लगा के। तो ये ऐसे बोल रहा है रिस्क पे कंट्रोल लगाओ, ये लाइन का दूसरा मतलब है, रिस्क पे कंट्रोल लगाओ, ठीक है। रिस्क पे कंट्रोल है, जहाँ जहाँ रिस्क मिल रहे ना उन एरिया पे कंट्रोल लगाओ, ठीक है, एरिया पे कंट्रोल लगाते, ठीक, इससे रिस्क अपना कम हो जाता है, मिटिगेट हो जाता है। अगर तुम मिटिगेट नहीं करोगे, सच रिस्क वुड हैव एन इम्पैक्ट, इसका और पे इम्पैक्ट होगा। तो अगर मैं कंट्रोल नहीं लगाता तो रिस्क का इम्पैक्ट होगा, ठीक है, और अगर मैं लगा देता हूँ तो रिस्क
मिटिगेट हो जाएगा। समझ में आ रही, पिक्चर समझ में आ रही है? अभी अपने एग्जाम्पल में कितने रिस्क है? 30। कितने में कंट्रोल लगा दिया? 30। तो 10 का इम्पैक्ट क्या है ऑडिट पे? ठीक है, तो अब क्या 20 का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? अब बात करते हैं 20 की, जिसपे कंट्रोल लगाया। ठीक है, अब कंट्रोल ये लगाया कि वो जो एप्लीकेशन थी जी पे, उसके अंदर UPI पिन का वो नहीं था कुछ भी, सिर्फ होता कि तुम लोग फिंगरप्रिंट लगाओ तो ही वो खुलेगी एप्लीकेशन। ठीक है, अब पापा के मोबाइल में घर के किसी मेंबर ने आकर या बेटे ने आकर, पापा का सो रहे थे, मोबाइल लिया, उनका फिंगरप्रिंट लगा के ऐप खोल के पेमेंट कर ली, तो ये भी रिस्क है ना। अब पिन रखते तो पापा को याद रहता, अभी मान लो पिन नहीं है, तो ये भी रिस्क है ना। तो कंट्रोल तो लगा हुआ है कि फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा, लेकिन दूसरा कोई यूज़ कर रहा है, आई बात समझ में? ऐसे में तुम्हें कई सारे रिस्क बताऊंगा कंट्रोल लगाने के बाद। अब कंट्रोल तो लगा हुआ है, मगर कंट्रोल इफेक्टिव है वीक है? अब सुनो, कंट्रोल अगर इफेक्टिव वाला होगा तो रिस्क क्या हो गया? कम, रिड्यूस हो गया, मिटिगेट हो गया, है ना। लेकिन अगर कंट्रोल वीक है, ठीक है, तो कंट्रोल वीक होता है तो रिस्क ज़्यादा होता है, कंट्रोल एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है तो रिस्क कम होता है। तो अभी कंट्रोल है वीक, ठीक है, तो अपन पहले कंट्रोल लगाएंगे, ये कंट्रोल लगाया जाए, ठीक है, रिस्क के ऊपर कंट्रोल लगा दिए। स्टेप समझते रहना, ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई करने पे कुछ पे कंट्रोल लगाया, कुछ पे नहीं लगाया, नहीं लगाया का इम्पैक्ट क्या है, और जिसपे लगाया तो ये कंट्रोल लगाया, ये कंट्रोल लगे, तो ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किया, रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद कंट्रोल लगाई जाती, दूसरी स्टेप होती है, ये स्टेप नंबर 2 है, 2। ठीक है बेटा, इम्पैक्ट तो अपन चेक करते हैं, ये तो अपना काम है, ठीक है, ये काम दोनों का है, ये रिस्क आइडेंटिफाई करना, रिस्क राइजिंग गिवन लो आर सम रिस्क डेट शुड बी कंसिडर, इसे कंसिडर करना पड़ता है, ये काम मैनेजमेंट का भी है और ये काम अपना भी है। मैनेजमेंट भी रिस्क आइडेंटिफाई करता है, अपन भी रिस्क को कंसिडर करते हैं, अपन भी आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, दोनों करते हैं, रिस्क असेसमेंट दोनों करता है ना, ऊपर पढ़ लिया अपन ने कंट्रोल के अंदर, मैनेजमेंट भी करता है अपन भी करते हैं। तो मैनेजमेंट ने रिस्क असेस कर लिया, ये मैनेजमेंट का पहला काम, अपन भी करेंगे इसको असेस, ये अपना पहला काम, ठीक है। अब मैनेजमेंट का दूसरा काम, मैनेजमेंट का लगाया उस पर कंट्रोल, ठीक है, ऊपर रिस्क असेस किया, अब मैनेजमेंट कंट्रोल लगा रहा है, अपन ने भी रिस्क असेस किया, इनहेरेंट के इम्पैक्ट देख लिया, ठीक है, अब कंट्रोल देखेंगे कौन कौन से कंट्रोल है, ये सारे कंट्रोल है जो मैनेजमेंट ने लगाए, ये कंट्रोल चल रहे हैं। अब कंट्रोल की क्या होगी, ये अपन करेंगे टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, 4 टाइप्स हो, तो अब इसको अपन टेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते, कंट्रोल की टेस्टिंग चल रही, अब कंट्रोल टेस्ट कर लिया, अब कंट्रोल वीक निकला, वीक देखो इनइफेक्टिव, तो अब क्या देखेंगे उसका इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिस्क ऑन ऑडिट, वापिस पहुंच गए ऊपर इम्पैक्ट पे, का इम्पैक्ट ये रहा। पिक्चर समझ में आई अभी क्या चली भाई? मैनेजमेंट ने रिस्क आइडेंटिफाई किया, फिर मैनेजमेंट ने उसमें कंट्रोल लगाया, अपन ने भी आइडेंटिफाई किया, अपन ने देखा 10 पे कंट्रोल नहीं है, उस पर हमारे इम्पैक्ट क्या हो सकता है आईटी ऑडिट का। उसके बाद मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया, हमने कंट्रोल को टेस्ट किया, जो कंट्रोल स्ट्रॉन्ग निकले अच्छी बात है, खुशी हुई, हमारा रिस्क कम हो गया, ऑडिट का रिस्क कम हो गया, जो कंट्रोल वीक निकले उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो फिर वापस आके देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या है। यानी यहाँ पर जो अपन इम्पैक्ट देखते ना, वो इनहेरेंट प्लस कंट्रोल रिस्क दोनों का इम्पैक्ट देखें, ठीक है। इम्पैक्ट पहले पढ़ा रहा है, पहले तो बता दे भाई कि ये रिस्क है, इस पर कंट्रोल हो गए, ये कंट्रोल को हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे एक साथ इम्पैक्ट चेक, ये इम्पैक्ट पहले पढ़ करा रहा है, एक तरीके से स्टेप फोर समझ लो, पहले अपन रिस्क असेस करेंगे, फिर अपन कंट्रोल देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करने के बाद कंट्रोल को टेस्ट करेंगे, ये तीन काम करने के बाद चौथा काम उसका इम्पैक्ट देखेंगे दोनों का, इनहेरेंट का क्या है और कंट्रोल का क्या है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का इम्पैक्ट क्या है, समझे। जनरली हर इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंट्रोल लगे हुए होते ही, तो ये अपना फोर्थ स्टेप है, क्योंकि रिस्क पता पड़ेगा कितना है, उसके हिसाब से तो इम्पैक्ट चेक करेंगे उसका, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क, अभी पूरी पिक्चर समझ में आ गई, ऊपर से नीचे तक की कहानी अच्छे से दिमाग में समझ में आ गया, पूरा चार्ट कैसे बन रहा है, पहले क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, रिस्क असेस होगा, कंट्रोल लगेगा, हम उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद इम्पैक्ट चेक करेंगे सबके, जिस पे कंट्रोल लगा है नहीं लगा, जनरली सब पे कंट्रोल होता है, ठीक है, वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक। आओ देखो इम्पैक्ट के अंदर आता था, और रिस्क हैव टू बी मिटिगेट, हमें ऊपर रिस्क को मिटिगेट करना पड़ता है, अगर उसको मिटिगेट नहीं किया जाए तो
कुड हैव एन इंपैक्ट ऑन द ऑडिट पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा इस तरीके से। पहले सबसे पहले चेक याद रखना बेटा, अगर मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं करता, रिस्क को मिटिगेट नहीं करता, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल नहीं होती, तो अपन को करनी पड़ जाएगी मजदूरी। ठीक है, तो जहाँ कुछ भी रिस्क की बात आएगी, रिस्क बढ़ेगा, अपनी शुरू हो जाएगी वहाँ पर मजदूरी। ये अगर मजदूरी इंक्रीज सब्सटेंसिव चेकिंग, चेकिंग को बढ़ाना पड़ेगा बस। तो देखो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं तीन चीज। पहला कि हमारी चेकिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिस्क का। देखो बेटा ऑटोमेटेड सिस्टम पे का रिस्क अगर ज़्यादा है, यानी हमारा भरोसा उस पर ज़्यादा है कम है? रिस्क ज़्यादा है तो भरोसा कम है, सिंपल सी बात है ना। तो अगर सिस्टम पे हमारा भरोसा कम है तो सिस्टम की जनरेट की भी इंफॉर्मेशन पे भी, तो ये रिस्क क्या करेगा, लीड टू नॉन रिलायंस ऑन डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम पे भरोसा नहीं, उसके ऑब्टेन किए हुए डेटा पे कहाँ से भरोसा कर ली? हमें लगता है कोई मैनिपुलेशन कर देता है, अनऑथोराइज एक्सेस कर देता है, इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है। कोई भी आगे कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ जाता है, रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं है, कोई भी आता है कंप्यूटर पे कुछ भी एंट्री कर देता है, तो हमें क्या लग रहा है देख करके कि यार कोई इतना कोई खास कोई कंट्रोल है ही नहीं, इसका मतलब कोई भी कुछ चेंज कर सकता है। तो फिर हम ऐसे डेटा पे भरोसा करेंगे जिसमें कोई भी आके कुछ भी चेंज कर जाए? नहीं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी आके यहाँ कुछ भी चेंज कर रहा है तो कोई फ्रॉड भी कर सकता है, तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा है तो हम ऐसे डेटा पे भरोसा करेंगे? नहीं। तो लीड टू नॉन रिलायंस, नॉन रिलायंस हम भरोसा नहीं करेंगे और डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम। पहला, अब जब भरोसा नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो डेटा आएगा, अगर तुम भरोसा नहीं कर रहे तो तुम खुद जाके उसको क्या, खुद ही क्या करोगे उस डेटा को डिटेल चेक करोगे। फिर दूसरा काम, डेटा टेस्टेड थोरोली फॉर देयर कंप्लीटनेस एंड सब लिंक है आपस में एक दूसरे के साथ। अगर सिस्टम पे भरोसा नहीं कर रहे तो उसकी जनरेट की भी इंफॉर्मेशन पे भरोसा नहीं करोगे। ठीक है, लीड टू नॉन रिलायंस और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम की ऑब्टेन की भी इंफॉर्मेशन, सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की है उस पर भरोसा, अब अगर उस पर भरोसा नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो उसको थोरली टेस्ट करोगे, अब उसको चेक करोगे। ठीक है, थोरली चेक करना है तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सटेंसिव प्रोसेसर को, सब्सटेंसिव चेकिंग को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो तीन बार बोलते हैं। पहला, अगर रिस्क ज़्यादा है तो सिस्टम से ऑप्टेन होने वाली इंफॉर्मेशन पर भरोसा नहीं करेंगे। फिर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उसको थोरली चेक करेंगे, क्योंकि भरोसा ही नहीं। मतलब जिस बच्चे की फाइल मेरे पास आई चेक होने के लिए, मुझे पता है कि बच्चे ने बहुत गलती की होगी, तो उसको मैं थोरली चेक करूंगा। मुझे पता है इसमें गलती हो ही सकती है, बच्चा है ही इतना समझदार इंटेलिजेंट, उसके दो तीन पेज देख के मुझे पता पड़ गया। ठीक है, तो उसको थोरली चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे पेज उड़ा उड़ा के देख लूँ। तो जिसमें गलती होने की ज़्यादा चांस है उसमें उसको थोरली चेक करूँगा। थोरली चेक कैसे करूँगा? सब्सटेंसिव प्रोसेसर को इंक्रीज कर। हो गई तीन बात याद, इन्फॉर्मेशन पर भरोसा नहीं करूँ तो फिर क्या करूँगा? थोरली कैसे करूँगा? इन्फॉर्मेशन पर भरोसा तो क्या करूँगा, कैसे करूँगा? सब्सटेंसिव प्रोसेसर को बढ़ा। इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल, अब कंट्रोल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? ये बोलता है हम भरोसा कंट्रोल में भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब असल में ये कह रहा है कंट्रोल में भरोसा का मतलब क्या है? कंट्रोल तो चेक करना होता है, तो कंट्रोल में इम्पैक्ट क्या है? अब समझना बात को, ये सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, सिस्टम पे भरोसा नहीं करें। जिस सिस्टम का कंट्रोल ही वीक हो उस सिस्टम पे भरोसा नहीं करें। तो ये कह रहा है इम्पैक्ट ऑन अकाउंट, इम्पैक्ट ऑन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट या इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये है इम्पैक्ट ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जिसको ये लिख रहा है इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल्स। असल में इंफॉर्मेशन सिस्टम ही अपने आप में क्या क्या होता है, कभी कभी किसकी तरह एक्ट करता है, कंट्रोल की तरह एक्ट करता है। इसलिए ये असल में है क्या, इम्पैक्ट और इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे रिस्क का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर रिस्क ज़्यादा है तो हम सिस्टम पे भरोसा कम करेंगे, भरोसा ही नहीं करेंगे। तो नॉन रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल, कंट्रोल पे भरोसा नहीं करेंगे, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट पे भरोसा नहीं करेंगे, सिस्टम पे भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, सिस्टम से मिलने वाले डेटा पे भरोसा नहीं करेंगे, इवन सिस्टम पे भरोसा नहीं करेंगे। यानी सिस्टम से डेटा मिल रहा है, उसके पहले सिस्टम जो भी अपने काम कर रहा है, जैसे सिस्टम के कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस में भरोसा नहीं करेंगे जो एप्लीकेशन में है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे जो अकाउंटिंग सिस्टम है
उस पर भरोसा नहीं करेगा, रिस्क ज़्यादा है तो साथ में सिस्टम के कैलकुलेशन वगैरह पे भरोसा नहीं। तो ये बोल रहा है कि उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि नॉन रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल, ये इम्पैक्ट है कंट्रोल के ऊपर, यानी कि सिस्टम में भरोसा नहीं करें, उसके कैलकुलेशन में, उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर पे, दोनों में भरोसा नहीं करें, कैलकुलेशन और अकाउंटिंग प्रोसीजर। कोई भी चीज़ को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह कुछ भी उसने कैलकुलेट किया या कोई भी अमाउंट को कैलकुलेट करके लिखता है, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, साथ में अकाउंटिंग प्रोसेस पे भरोसा नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, मजदूरी, वो भी वही ऊपर तीन चीज़, यहाँ भी तीन चीज़, वह मजदूरी करेंगे सबसे चेकिंग को बढ़ाकर, यहाँ पर भी एडिशनल ऑडिट वर्क करेंगे, एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग, अब रिपोर्टिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। अब क्या है बेटा, एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 143 के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को लेकर, जो कंपनी एक्ट में आती है, ठीक है, तुम लोगों ने शायद पढ़ी नहीं होगी, ये रहा सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट 143(3)(a), ठीक है, ये सेक्शन के अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम के अंदर, ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट है या नहीं है इस पर रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक। तो कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट होना चाहिए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट होना ही चाहिए, ठीक है, अगर उसको लगता है कंट्रोल वी के एडिक्वेट नहीं है तो रिपोर्ट करेगा इसके अंदर। इसमें ऑर्डर को रिपोर्ट करना ही पड़ता है, इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी केस की बात है, कंपनी में रिपोर्ट करना ही पड़ता है, कौन से केस में, ये पढ़ेंगे अपन बाद में, किस केस में रिपोर्ट करना है, वन पर्सन कंपनी है अगर और स्मॉल कंपनी है उसमें अप्लाई नहीं होता, ठीक है, वो कंपनी इसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है उस पर भी ये अप्लाई नहीं होता, 50 करोड़ से ज़्यादा वाली कंपनी ना उस पर अप्लाई होता है, उसमें अपन को रिपोर्ट करना ही पड़ता है एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है, ये बताना पड़ता है एडिक्वेट है या नहीं इस पर बताना पड़ता है, ठीक है। अब वर्ड क्या आया था, इंटरनल इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इसके पहले आ चुका है क्या वो, ये रहा यहाँ पर रखा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, शक्ल देख लो, इंटरनल कंट्रोल दिख रहा है पूरा, हाँ, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑपरेशन लो सेफ गार्डिंग, एक चीज ज्यादा आ गई, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड है ना। अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर सारी इंटरनल कंट्रोल की चीजें आ गई, हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट होता है ना। अभी फर्क क्या है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में, इंटरनल कंट्रोल में बाद में देखेंगे जब आएगा, अभी अपन अपना टॉपिक पढ़ते हैं दोबारा, हाँ। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है भाई, देखो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है कि हमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में के रेस्पेक्ट में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है, रिपोर्ट करना होता है, ठीक, वो भी कंपनी के केस में। तो उस केस में अगर कंट्रोल सही नहीं होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, तो कभी कभी क्या होता है बेटा, रिस्क इतना ज़्यादा होता है कि हमें मॉडिफिकेशन लगानी पड़ जाती है रिपोर्ट के, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन सम इंस्टेंस, ठीक है, इन सम इंस्टेंस लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमेशा मॉडिफिकेशन नहीं लगा देगा, जहाँ रिस्क दिख रहा है मॉडिफिकेशन, ऐसा तो नहीं होता है रिपोर्ट ही बदल खराब कर देगा, उसको खराब रिपोर्ट देगा, मॉडिफिकेशन समझिए ना तुम लोग, खराब रिपोर्ट देगा। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होने की वजह से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से, ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट इन सम इंस्टेंस, कोई कोई सर्कमस्टांसेस में क्या लगाना पड़ जाता है, मॉडिफिकेशन, खराब खराब रिपोर्ट देना पड़ जाता है, हाँ, रिस्क बहुत ज्यादा हो, तुम्हें लगे रिस्क बहुत ज्यादा है और फ्रॉड मिसस्टेटमेंट का चांस बहुत ज्यादा है, इतना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो ही जाएगी, तो उस केस में क्या देना पड़ जाता है फिर, मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब कंट्रोल इतना वीक कर रखा है, इतना हालत खराब है कंट्रोल की, कि या तो कुछ गलती हुई होगी या नहीं भी हुई होगी तो आगे चल के होगी,
इतनी खराब हालत है, इतना कंट्रोल वीक है, आराम से कोई भी मैनिपुलेशन कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर मॉडिफिकेशन भी देना पड़ सकता है, ठीक, इतना वीक होगा कंट्रोल तो। हाँ बेटा, हाँ मैनेजमेंट के ऑडिटर, मैनेजमेंट लगाता है, अपन कोई लगाता है, अपना तो कोई रोल, अपना कंट्रोल लगाने से कोई लेना देना है नहीं, अपना तो सिर्फ कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना, इवेल्युएट करना और टेस्ट करना, ठीक है। अब ये कंट्रोल बहुत ज़्यादा वीक है तो मॉडिफिकेशन क्यों जा रहा है, क्योंकि 143 ने कहा है एडिक्वेट है नहीं पता हमें, ठीक है, तो बिल्कुल ही एडिक्वेट नहीं है कि फ्रॉड हो हुआ होगा या होने के चांसेस है, आराम से कोई भी कर सकता है मैनिपुलेशन करके डेटा, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या है, ऑर्डर क्या देगा, मॉडिफाइड रिपोर्ट दे सकता है ऐसे केस में, ठीक है। हर केस में मॉडिफाइड नहीं देता, ऐसा नहीं जहाँ रिस्क देगा मॉडिफाइड दे दिया उसने, भाई वो पूरा स्टडी वगैरह करेगा, मटेरियल स्टेटमेंट होना चाहिए तब जाके देगा मॉडिफाइड, ऐसे मॉडिफिकेशन नहीं देते, ठीक है, बिना मटेरियल स्टेटमेंट। हाँ और कुछ, हाँ अरे बेटा असल में क्या होता है कि मैनेजमेंट सबसे पहले रिस्क असेस करता है, फिर उन पर कंट्रोल लगाता है, अपन आकर रिस्क अपन भी असेस करते हैं, फिर अपन कंट्रोल को समझते हैं, फिर अपन कंट्रोल को आगे चल के टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद जो भी अपन को रिस्क पता पड़ेगा उसका इम्पैक्ट अपन चेक करेंगे, तो ये इम्पैक्ट चेक करेंगे अपन, ठीक है। इस तरीके से पूरा सीक्वेंस होता है, स्टेप होती है, ऐसे स्टेप बता रहा हूँ। क्या कन्फ्यूजन हो रही है इसमें, मतलब तू बताना, क्वेश्चन बोलेगी तभी तो जवाब दूंगा, क्या मतलब क्या। तो फिर कौन से स्टेप आए, बेटा ये ऑडिटर करेगा सब काम, तू मैनेजमेंट और ऑडिटर के काम को जोड़ेगी तो कंफ्यूजन तो होगी सही, अपन कर रहे हैं काम तो, कंट्रोल तो मैनेजमेंट लगाता है, रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट करेगा, अपन भी करेंगे, काम दोनों करते हैं, ठीक है। अपन को पता तो पड़ा रिस्क कितना है, तो ये रिस्क असेस करने का काम दोनों करते हैं, मैनेजमेंट भी करता है अपन भी करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इसको असेस करके कंट्रोल लगाता है, अपन उस कंट्रोल को समझते हैं, अपन इसको समझेंगे, मैनेजमेंट लगाएगा अपन समझेंगे, समझ में ही बात। तो मैनेजमेंट कंट्रोल लगाता है, अपन कंट्रोल समझते, समझने के बाद नीचे उसके टेस्टिंग आई हुई, टेस्टिंग आई कंट्रोल में, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद अगर कंट्रोल वीक निकला तो हम देखेंगे रिस्क का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है हमारे ऑडिट पे, ठीक है, वो बता रहा हूँ। तो ये वो इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ कि रिस्क का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है ऑडिट पे। सबसे पहला सक्सेसफुल चेकिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम इन्फॉर्मेशन पे भरोसा नहीं करेंगे, थोड़ा चेक करेंगे, सक्सेसफुल चेकिंग बढ़ जाएगी। कंट्रोल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे, और साथ में उसके कैलकुलेशन उस पर और उसके काम पे दोनों पे भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है, एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ जाएगा। रिपोर्ट में क्या पड़ेगा, तो कंपनी के केस में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, उस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की वजह से हो सकता है कोई कोई केस में क्या चला जाए, मॉडिफिकेशन। चल अब कौन कौन से कंट्रोल लगाए जाए, कंट्रोल होते तीन तरह के, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। सबसे पहला जनरल आईटी कंट्रोल क्या होता है वो समझे, फिर एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है वो समझे, फिर समझेंगे आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या होता है। पहले जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल ऊपर ऊपर समझ लेते क्या होता है। बेटा एप्लीकेशन कंट्रोल होता है जो एप्लीकेशन में खुद में होता है, जैसे अभी अपन जीपे का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जीपे के अंदर जो कंट्रोल है कौन सा कंट्रोल है कि पिन नंबर डालने से ही पेमेंट होगा और पासवर्ड डालने से ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी या फिंगरप्रिंट से स्टार्ट होगी। तो दो कंट्रोल है, स्टार्ट भी कोई नहीं कर सकता उसको और पेमेंट करने जाएगा तो पिन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दो कंट्रोल है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन एम्बेडेड कंट्रोल, खुद एप्लीकेशन ने तुम्हें कंट्रोल लगा कर दिया। तो कभी कभी एप्लीकेशन ही ऐसी होती है जिसके अंदर खुद के अंदर ही कंट्रोल हो, ठीक है। तो पहला तो एप्लीकेशन कंट्रोल, दूसरा जनरल आईटी कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल का मतलब तुमने जो तुम्हारे मोबाइल में पासवर्ड लगा रखा है वो सिर्फ जीपे के लिए होता है क्या, नहीं, तुम जाते हो ना तो कोई जीपे खोले किसी के हाथ में आ जाए तो मोबाइल, ना साथ में वो हमारी गैलरी खोले, ना कोई फाइल मैनेजर खोले, ना व्हाट्सएप खोल के चेक करे। तो कई चीज़ों में अपन ने चाहते हैं कि यार हमारे मोबाइल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका कोई भी एक्सेस ना करे, अनऑथोराइज यूज़ ना करे, उसके अंदर कोई चेंजेस ना कर दे आके, कोई मोबाइल लेके किसी को मैसेज ना कर दे, किसी को फ़ोन ना लगा दे,
कोई भी एप्लीकेशन का कोई यूज़ ना करे, बच्चे बच्चे शेयर ना दे मोबाइल को घर में बच्चे हैं तो, ठीक है। तो वो जो पासवर्ड उन्होंने लगाया वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड थोड़ी है, वो क्या है जनरल है वो, तो जनरल आईडी कंट्रोल वो कंट्रोल होता है जो सारी एप्लीकेशन के लिए होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन कंट्रोल वो होता है जो खुद एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट होता है, एम्बेडेड इनटू एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में एम्बेडेड जो होता है ना, इनबिल्ट होता है, उसे एप्लीकेशन कंट्रोल बोलते हैं, ठीक। और एक होता है तीसरा कंट्रोल, बाद में देखो। सबसे पहले देखते हैं जनरल आईडी कंट्रोल क्या। जनरल आईडी कंट्रोल हमेशा जब भी कंट्रोल वर्ड आएगा तो वर्ड आएगा पॉलिसी एंड पॉलिसीज एंड प्रोसेस दैट लेड टू मेनी एप्लीकेशन एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। आगे बात, जनरल आईडी कंट्रोल मतलब वो पॉलिसी प्रोसेसर जो कई सारी एप्लीकेशन से रिलेटेड है और एप्लीकेशन कंट्रोल की फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी ये इफेक्टिव फंक्शन करे एप्लीकेशन कंट्रोल, तो उसके लिए जनरल आईडी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अभी एक एग्जांपल समझाता हूँ। तुमने एक एप्लीकेशन ली अकाउंटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन ऐसी है जो आईडी पासवर्ड से ही खुलती है, तो हो गया एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है। और जिस कंप्यूटर में वो है उस कंप्यूटर में तुमने आईडी पासवर्ड डाल रखा है, वो हो गया जनरल आईडी कंट्रोल। साथ में वो एक रूम के अंदर है जिसमें तुमने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, वो हो गया जनरल आईडी कंट्रोल। वो रूम के अंदर जो लॉक लगता है, उस रूम का जो लॉक होता है उसकी की या उसका इलेक्ट्रॉनिक उसका लॉक है जिसमें एक पर्सन का फिंगरप्रिंट और पासवर्ड डाले जाते हैं तभी खुलता है, तो ये फिंगरप्रिंट और पासवर्ड सिर्फ ऑथोराइज पर्सन के पास ही है, ठीक है। मान लो अगर दो पर्सन ऑथोराइज है तो दो पर्सन ही रूम में जा सकते हैं, रूम से आ सकते हैं, उसके अलावा रूम में कोई नहीं जा सकता। तो ये जो लॉक लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सिस्टम के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है, ये तीनों के तीनों क्या है, जनरल आईडी कंट्रोल, समझ में आया। और वो जो ऐप अपन चलाते हैं अकाउंटिंग की, उसके ऊपर जो पासवर्ड है वो एप्लीकेशन कंट्रोल है, वो एप्लीकेशन ने दिया है वो कंट्रोल, ठीक है। ऐसे एक कंट्रोल नहीं होता सिर्फ पासवर्ड वाला, कई सारे कंट्रोल होते हैं एप्लीकेशन के, कई सारे, ठीक है। फोन पे क्या करता है, फोन पे जब भी तुम फोन पे से किसी को पेमेंट करते हो नए यूजर को, तो फोन पे एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा नहीं ले रहे हो, एक छोटा अमाउंट कर सकते हो तुम, छोटा अमाउंट। वो इसलिए क्योंकि वो नया है, ठीक है। अब नया है तो उसको तुम सीधा 20,000 या 30,000 कर दो और नंबर गलत आ जाए तो गलत नंबर में ना पहुंच जाए, इसलिए फोन पे अलाउ ही नहीं करता। वो बोल रहा है पहला पेमेंट तो कम से कर, ठीक है। अब जब ये नहीं हुआ करता था, ये तो फोन पे के अंदर है, जीपे के अंदर नहीं, जीपे में तुम स्टार्टिंग से जो भी अमाउंट कर सकते ना, जितना भी कर सकते कर लो, करो कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं तुम्हें बोलूँगा मैं 10,000 तुम दे सकते हो जीपे से, 10,000 फोन पे से दे सकते इनिशियली, ठीक है। अब तुम्हें डर लगता है कि यार रुपया कहीं और ट्रांसफर ना हो जाए, तो यार इस रिस्क को एप्लीकेशन ने अगर कुछ नहीं किया, जैसे जीपे ने एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं लगाया, ठीक है, तो तुम दोबारा खुद का कंट्रोल लगा सकते हो। तुम्हें रूल बना दो, जब भी किसी को पैसा ट्रांसफर करना होगा पहले 10 रुपया ट्रांसफर करोगे नए पर्सन। तो अगर तुमने ये रूल बना दिया कि 10 रुपया ट्रांसफर करोगे, उसके बाद ही उससे पूछ करके ये भाई ये किया तो ये अपना लगाया हुआ कंट्रोल, अपन ने लगाया, एप्लीकेशन का एम्बेडेड कंट्रोल नहीं। समझते हो बात क्या होता है। तो एक कंट्रोल होता है जो एप्लीकेशन खुद लगाती है, एक कंट्रोल वो होता है जो जनरल आईडी कंट्रोल जो अपन लगाते हैं हर तरह की एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐसा कंट्रोल जो कॉमन टू ऑल एप्लीकेशन हो, सबके लिए कॉमन हो, उसे अपन बोलते हैं जनरल आईडी कंट्रोल। तो जनरल आईडी कंट्रोल क्या करता है, किससे रिलेट होता है ये, हाँ ये बात याद रखना, मेनी एप्लीकेशन से रिलेट होता है। अब जब तुमने एक रूम के अंदर सिस्टम रखा हुआ है, उस रूम की सिक्योरिटी बढ़ा दी, हाँ, तो जनरल आईडी कंट्रोल है, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको कोई भी यूज तो सपोर्ट कर रहा है कई सारी एप्लीकेशन, ठीक है, रिलेट है कई सारी एप्लीकेशन से और सपोर्ट करता है एप्लीकेशन कंट्रोल के इफेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ आती है जनरल आईडी कंट्रोल में, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेन, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन। अब देखो बेटा, जिस प्रकार के रिस्क रहेंगे उस प्रकार का उसमें कंट्रोल लगेगा। अगर डेटा उड़ने का रिस्क रहेगा, लॉस ऑफ डेटा, तो डेटा सेंटर बनाया जाएगा जब सारा डेटा रिकॉर्ड हो, कभी डेटा उड़ भी जाए सिस्टम में से तो डेटा सेंटर से डेटा मिल जाए, ठीक है। प्रोग्राम चेंज होने का रिस्क होगा कि कोई अनऑथोराइज चेंज ना कर दे तो प्रोग्राम चेंज कंट्रोल लगाएंगे, ठीक है। अनऑथोराइज एक्सेस का रिस्क होगा तो
तो एक्सेस सिक्योरिटी लगाई थी, ठीक है। तो सी ए की दीदी, उसमें सी चेंज अनऑथराइज चेंज से बचने के लिए प्रोग्राम चेंज कंट्रोल लगा दो, ए एक्सेस अनऑथराइज एक्सेस से बचने के लिए एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल लगा दो, ठीक है। सी ए डी डेटा, डेटा के लॉस से बचने के लिए डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन बना दो, है ना। हो गया तीन, एक एक्स्ट्रा है बस, ये याद रखते हैं। ये ड्यूटी सिस्टम लगाने की, एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन खरीदना बनाना डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, ये ड्यूटी है हमारी, ठीक है। सी ए की दीदी, तो सी मतलब चेंज, अनऑथोराइज चेंज से बचना है तो प्रोग्राम चेंज लगा दो, ठीक। अनऑथोराइज एक्सेस से बचना है एक्सेस सिक्योरिटी लगा दो। फिर आता है डेटा, डेटा के चोरी होने से लॉस से बचना है, लॉस ऑफ डेटा से बचना है तो डेटा सेंटर और नेटवर्क में तुम्हारा डेटा स्टोर करके रखो, ठीक है। और लास्ट ड्यूटी क्या है हमारी, क्या हमें एप्लीकेशन को एप्लीकेशन सिस्टम को खरीदना है, बनाना है, मेंटेन करना है, ये सब हमारी ड्यूटी। इसीलिए आईटी जनरल आईटी कंट्रोल को बोलते हैं अप्लाइड कॉमनली अक्रॉस मल्टीपल आईटी सिस्टम, जो कई सारी एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे सब एप्लीकेशन पे ना, ये सब पे, उसे परवेसिव बोलते हैं, परवेसिव, ठीक है, नॉन एज परवेसिव कंट्रोल और साथ में इनडायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है, परवेसिव और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट समझ गया ना, इनडायरेक्ट तो समझो क्या होता है, क्या होता है, फोन के ऊपर जो पासवर्ड है वो जीपे के लिए इनडायरेक्ट कंट्रोल, वो डायरेक्ट जीपे के लिए नहीं, ठीक है, अभी बात समझ। तो वो पासवर्ड ही नहीं खुलेगा तो कोई जीपे तक जाएगा ही, ठीक है, कोई व्हाट्सएप पे जाके तुम्हारे प्राइवेट मैसेज पड़ेगा ही। तो पासवर्ड व्हाट्सएप का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर वो इनडायरेक्ट, इससे जनरल आईटी कंट्रोल का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगाया था कंप्यूटर को, अब कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन होगी सबके लिए वो कंट्रोल, कोई कंप्यूटर अनऑथराइज बंदा हाथ में ही नहीं लेगा तो वो सारी एप्लीकेशन कोई अनऑथराइज यूज करेगा ही, अनऑथराइज चेंज करेगा ही, ठीक है, और अनऑथराइज एक्सेस भी नहीं करेगा। ये था जनरल आईटी कंट्रोल। अब जनरल आईटी कंट्रोल के कॉम्पोनेंट आता है, क्या क्या चीजें आती है जनरल आईटी कंट्रोल, ये अलग अलग चीजें पढ़े हाँ, मतलब मैं तो पढ़ा दूंगा ब्रेक का टाइम, फिर सही में पढ़ा दो, रेडी हाँ। कंट्रोल हमारा डेटा सेंटर है, नेटवर्क ऑपरेशन। अब जब भी अपन कंट्रोल पढ़ेंगे, चलो जनरल आईडी तो पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। इसमें लिखा है हमेशा एक लाइन बार बार आएगी तुम्हारे सामने, मैं तुम्हें बार बार आने वाली लाइन बता देता हूँ बार बार क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन इज, इसका इस पूरे का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। सुन लिया, अब सुनना ध्यान से, इसका ऑब्जेक्टिव है एंश्योर करना क्या, के टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मीट कर ले, यही तो पर्पस है ना कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए, ट्रू और फेयर व्यू देनी चाहिए, खत्म, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऐसे कंट्रोल लगाए जिससे क्या हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में गलती ना हो, ऐसे कंट्रोल लगाओ, ठीक है। तो लगाएगा मैनेजमेंट, इससे हमारा ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। दोबारा देखो यहाँ सेम लाइन, टू एंश्योर डेट मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यू टू मीट, टू एंश्योर डेट टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टू एंश्योर डेट टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। आगे उसका नाम लिख देंगे। चलो तो अब शुरुआत करेंगे कि इस वाले कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है क्या, कि टू एंश्योर डेट प्रोडक्शन सिस्टम, अब समझ लो प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, क्या होता है प्रोडक्शन सिस्टम, गुड्स वगैरह बनाने को, हाँ नहीं,
अरे इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने वाले सिस्टम को प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन सिस्टम है, वो प्रोडक्शन सिस्टम मत समझ लेना, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का दूसरा नाम है प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो यह प्रोडक्शन सिस्टम से मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोडक्शन सिस्टम। कुछ भी लिख देते ये लोग को समझते तो है नहीं, पता नहीं क्या ही समझते हैं उनको, अपन बहुत बड़े ज्ञानी हो या कुछ हो, सेल्फ कैसे बड़े बच्चे विचार। प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस हो, ऐसे प्रोसेस करे वो कि जिससे हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए, ठीक है, अचीव हो जाए। तो कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ये कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। किसी भी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, मीट करना, ठीक है। चल अब क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, क्या आता है डेटा सेंटर वगैरह, इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज, ओवरऑल मैनेजमेंट आता है इसके, कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटी, कंप्यूटर की एक्टिविटी का ओवरऑल मैनेजमेंट, कंप्यूटर से जो भी अपन काम कर रहे हैं उसका ओवरऑल मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ बैच जॉब, मॉनिटरिंग स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ बैकअप, ये सब बता रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहा है। ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है प्रिपेयरिंग शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ, मेरे साथ में बैच जॉब समझ लो क्या होता है, महीने के आखिर में मान लो इंटरेस्ट आता है बैंक में, हाँ तो कैसे आता है, सिर्फ तुम्हें आता है, जिसका दूसरे का काम उसको नहीं आता। तो बैच जॉब का मतलब होता है ऐसा काम जो बैच में होता है, बैच मतलब सारे अकाउंट वालों का एक बैच बनता है और एक साथ सब में इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, एक साथ सबका अमाउंट कैलकुलेट होता है, ये डेटा आया और एक साथ कैलकुलेट होकर सब पे इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, कि भाई कितने अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट देना है, अमाउंट आ जाता है, इंटरेस्ट की रेट आ जाती है, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। ये सिस्टम अपने आप कर देता है सारा काम, है ना, सिस्टम अपने आप इतना समझदार है, चार्जेस भी अपने आप काट देता है, समझ जाता है कि भाई मेरे को यहाँ पर इतना चार्ज काटना है ना। अडोब अकाउंटिंग डिसीजन ऑपरेशन एंड प्रोसेस सब सिस्टम अपने आप कर देता है ना। तो बैच जॉब समझना है क्या होता है, सारे एसेट पर एक साथ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देना, साल खत्म होती है अपने आप डेप्रिसिएशन आ जाएगा, वो तुम्हें सिर्फ एसेट डालना है, उसका टाइम डालना है, तुमने कब खरीदी, बस तुम्हें डेप्रिसिएशन डालने की जरूरत नहीं, डेप्रिसिएशन अपने आप कैलकुलेट करके डाल देगा वो एंट्री, साल खत्म होते अपने आप तुम्हें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग बैच को प्रिपेयर करना, ठीक है भाई, इतने इतने अकाउंट होल्डर है सारे, शेड्यूल करना कि इस टाइम पे सबके अकाउंट में इंटरेस्ट चला जाएगा इतने से इतने टाइम, और एग्जीक्यूट करना, फिर वो एग्जीक्यूट करना। तो बैच पहले प्रिपेयर होता है, बैच की शेड्यूलिंग होती है कब बैच काम करेगा, ठीक है, और फिर वो एग्जीक्यूट करता है उस शेड्यूल के ऊपर, वो एग्जीक्यूट करता है उस शेड्यूल के ऊपर, वो एग्जीक्यूट करके सबके इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है, ठीक। फिर आता है मॉनिटरिंग, है ना, मॉनिटरिंग भी तो होगा, अपन भी तो ध्यान देंगे, लावारिस पर छोड़ देंगे सिस्टम को, तू ही कर ले सारा काम। और स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ बैकअप, बैकअप का स्टोरेज रखें, हार्ड ड्राइव में रखो या किसी क्लाउड पे रखो, है ना, ताकि डेटा हमारा खो ना जाए। आजकल अपनी आदत भी है, ड्राइव के ऊपर अपन कई सारे डेटा को रखते हैं, अपने फोटोज़ वीडियोस वगैरह का, कि मोबाइल सही इधर उधर हो जाए तो अपने वीडियोस वगैरह अपन को मिल जाए दोबारा, ठीक है। और वो बसों की आदत होती है कि वो हार्ड ड्राइव के अंदर सारा बैकअप रखता है, वो हार्ड ड्राइव घर पर पड़ी रहती है उसके, ठीक है। सर्च कंट्रोल ऑल्सो हेल्प परफॉर्मेंस ऑफ, अब कुछ डेटा रिटेंशन और बैकअप का आपको एग्जाम्पल दे रखा है, BCP बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और DRP डिजास्टर रिकवरी प्लान, ये कुछ प्लान होते हैं जिससे हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और डेटा डिजास्टर रिकवरी प्लान, ये कुछ ऐसे प्लान होते हैं जिसमें अपना डेटा अगर खो जाए तो अपन रिकवर कर सकते हैं, करप्ट हो जाए, ठीक है, तो रिकवर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करके रख दो ताकि अगर कुछ डिजास्टर वगैरह भी आए तो हमें हमारा डेटा मिल जाए, मतलब स्टोर करके रख दिया अपने, ठीक है। विच डील विद द रिकवरी फ्रॉम फेलियर आर ऑल्सो टेक केयर बाई सच टाइप ऑफ कंट्रोल, ठीक है। प्रोग्राम चेंज, फिर वही लाइन आ गई, बोलता है टू एंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव,
भाई प्रोग्राम चेंज करने का मतलब होता है कि या तो नया वर्जन आया उसको लेकर आए, या दूसरा कोई नया सिस्टम प्रोग्राम आया उसको लेकर आए। अब प्रोग्राम भले तुम चेंज कर दो, लेकिन तुम याद रखो क्या मीट करना चाहिए। जैसे पहले सिस्टम में मीट हो रही थी, ठीक है, वैसे या उससे अच्छे तरीके से मीट हो, ऑब्जेक्ट भी मीट होना चाहिए हमारा, उसमें कमी ना जाए। भले प्रोग्राम चेंज हो, इट इंक्लूड एक्टिविटी सच एज चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। अब चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है बेटा, यहाँ पर था ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन या चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब होता है कि चेंज के मैनेजमेंट का प्रोसेस। चेंज का भी तो मैनेजमेंट होता होगा ना, चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज कैसे होता है, रिकॉर्डिंग मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग चेंज रिक्वेस्ट। अब ये पूरी एक लाइन है, पहले चेंज की रिक्वेस्ट आती है कि हम प्रोग्राम चेंज कर देंगे, उस रिक्वेस्ट की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग होने के बाद उसको मैनेज किया जाता है, मतलब उसमें अब काम होगा, अब प्रोग्राम को चेंज किया जाएगा, पूरा मैनेजमेंट होगा उसके ऊपर, ठीक है, उसमें काम होगा, उसको मैनेज किया जाएगा। साथ में उसकी ट्रैकिंग भी होती है कि जैसे ट्रैकिंग का मतलब आज रिक्वेस्ट आई, कल इन्होंने देखा, उसको ऑथोराइज किया, ऑथोराइज करने के बाद अब ऐसा हुआ, ऐसा पूरा ट्रैकिंग चल रहा है। ये ट्रैकिंग जब तुम लोग ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से, तो बताता है ऑर्डर कन्फर्म हो गया, तुमने ऑर्डर किया, फिर पहले कन्फर्म होता है, कन्फर्म होने के बाद वो पैक करता है, फिर वो शिप में जाता है, फिर वो यहाँ पहुँचा वहाँ पहुँचा, पूरी ट्रैकिंग होती है। तो ट्रैकिंग से तुम्हें पता पड़ जाता है तुम्हारी रिक्वेस्ट अभी कहाँ तक पहुँची, ठीक है। तो रिक्वेस्ट चेंज का रिकॉर्डिंग होता है, फिर उस पर काम होता है, उसकी ट्रैकिंग भी होती है, ठीक है। मेकिंग एंड टेस्टिंग चेंजेस, चेंज करेंगे भी और करने के बाद उसको टेस्ट भी तो करो कैसे चल रहा है सिस्टम, अब नया प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग। ये था प्रोग्राम चेंज किया, समझ गए प्रोग्राम चेंज में क्या होता है, नया सिस्टम नया प्रोग्राम में को चेंज किया जाएगा और चेंज करने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। एक्सेस सिक्योरिटी, छोड़ो कल पढ़ेंगे, आज के इतने बाबा डिक्के ने बनाए, आपका दिन मुबारक।